नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा, आपका स्वागत है साइंस ऑफ कुकिंग में। आज हम बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी आलू टिक्की बनाएंगे। आज हम इन्हें बहुत ही डिफरेंट स्टफिंग के साथ बनाएंगे। ये क्रिस्पी आलू टिक्की बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे बताए गए सारे टिप्स को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 से 6 आलू, इसको मैंने फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लिया है। उबालकर आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर ये भी आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आधा चम्मच गरम मसाला, काली मिर्च आधा चम्मच, हरा धनिया 2 टेबलस्पून। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने ग्रेट नहीं किया, मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, इसमें गांठे नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मैश कर लेंगे। मेरी सीक्रेट ट्रिक है, अरारोट की जगह पोहा यूज़ करेंगे। पोहे को मैंने पानी में डालकर अच्छे से निचोड़ लिया है, इससे हमारी टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अरारोट से भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी टिक्की में। ये हमारा मिक्सचर एकदम बनकर तैयार है। ये स्टफिंग हमारी बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, दाल की नहीं है, ये मटर और साबूदाना की है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, अभी हमने इसे कैसे तैयार किया है देखिए। हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, अच्छे से गरम करेंगे इसको। हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, 1 टेबलस्पून जीरा, आधा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, स्वाद अनुसार लाल मिर्च, मैंने 1 बाउल मटर लिए हैं, इसको मैंने अच्छे तरह से उबाल रखा है। अब अच्छे से चलाएंगे, सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, मटर को भी अच्छे से भून लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। नमक, काला नमक लिया है मैंने, स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए आप। आधा चम्मच चाट मसाला, चाट मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे अच्छे से चला लेंगे हम, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने साबूदाना लिया है और इसे अच्छे से भिगो के 5-6 घंटे और इसे अच्छे से निचोड़ लिया है। हमारी जो ये स्टफिंग बहुत ही डिफरेंट बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये दाल की, मटर की, सबकी टिक्की खाई, लेकिन ये साबूदाना का जो फ्लेवर है वो आपकी टिक्की को बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। साबूदाना ही हमारी इस रेसिपी का मेन हीरो है। अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा बढ़िया कलर आया है। अब हम इसे हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ली है बारीक कटी हुई। हरा धनिया डाल देंगे इसमें और अच्छे से चलाएंगे। देखना कितना बढ़िया कलर आया हुआ है हमारी स्टफिंग का। और अच्छे से इसको ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे किसी बाउल में निकाल कर। हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है और हमें थोड़ा मैश कर लेंगे इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि स्टफिंग में हमें मुश्किल ना हो। और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे।
बढ़िया बनकर तैयार है और बाकी भी ऐसे ही हम तैयार कर लेते हैं बना के। अब हम टिक्की पर अरारोट डालकर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इससे हमारी टिक्की अच्छे से क्रिस्पीपन भी आएगा और अच्छे टूटेगी भी नहीं। ये देखिए हमारी टिक्की बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। बढ़िया इसे अच्छे से रोल कर लें। अब हम इसे अब हम एक पैन लेंगे और उसे अच्छे से गर्म करेंगे। तेल के साथ थोड़ा ग्रीस कर देंगे। मैं इसे सेलो फ्राई करूंगी, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे खाना चाहें, जो आपको पसंद हो वैसा ही आप खा सकते हैं। हमने इसे सेलो फ्राई करना है इसलिए अच्छे से ग्रीस करेंगे इसे। हमारा पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है। फ्लेम थोड़ा धीमी करेंगे और टिक्की को फिर रख देंगे इसको। हल्का हल्का ऑयल हम टिक्की के ऊपर भी लगाएंगे। हमारी टिक्की अच्छे से गर्म हो जाएगी। देखिए हमारी टिक्की बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। देखिए हमारी टिक्की का कलर एकदम बाजार की टिक्की सा ही आया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें क्रंचीनेस भी बहुत अच्छा है। देखिए हमारी टिक्कियाँ कितनी सुंदर बनकर आई हैं, एकदम बाजार जैसी हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। देखा कितना आसान था ये आलू टिक्की बनाना। ते इमली और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। इमली और ग्रीन चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम इसमें दही डाल देंगे। देखिए हमारी टिक्कियाँ कितनी अच्छी बनकर आई हैं, एकदम बाजार जैसी। ये खाने में बहुत अच्छी लगेंगी, तो आप इसे घर पर बनाइए। और अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है तो आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं खाना खाने, सो इससे अच्छा है कि आप घर पर बनाइए। और ये बहुत हाइजीनिक है तो कोई डर भी नहीं। हम कोरिएंडर लीव्स के साथ इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे। सबसे लास्ट में हम इस पे चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाले से हमारा जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका फीडबैक मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहिए साइंस ऑफ कुकिंग बाय रीना शर्मा।